अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हैं? आप देख रहे हैं परफेक्ट असील चैनल, मैं हूं मोहम्मद जवाद अली। तो गाइस कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तो गाइस आज हम आए हुए हैं बकर सुहेल भाई, जो दुबई वाले हैं हमारे दोस्त, उनके पास। उनका शौक आपको दिखाते हैं। सुहेल भाई दुबई से बैठकर इधर पाकिस्तान में बकर में शौक करते हैं जी। तो इनके पास जो मुर्गे हैं वो बहुत ही अच्छी ब्रीड है इनके पास, सईद भाई वाली। सुहेल भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तो ये जो ब्रीड है जी सुहेल भाई की, ये रत्तू मुर्गे हैं, नूरे अंग्रामा वाले मुर्गे इनके पास हैं, उस्ताद खिज़र हयात साहब वाले मुर्गे इनके पास हैं, और इनकी अपनी होम ब्रीड बनी हुई है, जो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी मुर्गी मुर्गियां इन्होंने क्रॉस कराए हुए हैं। ये मुर्गा आप देख रहे हैं, ये नूरे अंग्रामा वाला मुर्गा और रत्तू मुर्गों का क्रॉस है जी, सईद भाई वाले मुर्गों का। माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा मुर्गा है। इसकी कलर इसका आप चेक करें, इसकी नोक नली, इसका चेहरा, इसकी आंख चेक करें। ये ऐसा मुर्गा है जो मुर्गों पर बहुत ही अच्छा प्रेशर डालते हैं और बहुत अच्छी फाइट करते हैं। इसकी परी चेक करें, इसकी देखें ना, ये पूरे मुर्गों वाली एक घाड़त है, जो मतलब इनका मतलब एक स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत ही अच्छे मुर्गों वाला होता है। इसकी नली चेक करें, बहुत ही अच्छी प्यारी खुश्क नली, जर्द नली, ना वाइट नली में है और ना पीली नोक नली में है, मतलब ये जर्द हल्की, कभी आपको वाइट लगेगी और कभी पीली लगेगी। ये बहुत ही अच्छी ब्रीड है जिनके पास। ये इनका मुर्गा 1,20,000 रुपये ने लगता रहा था, इन्होंने नहीं दिया था। ये माशाल्लाह 2-2.5 लाख रुपए पर लड़ा हुआ मुर्गा है और बहुत ही अच्छा मुर्गा है। ये ब्रीड के लिए इन्होंने छोड़ा हुआ है। इसके पट्टियाँ पट्टे भी आपको दिखाएँगे जी। तो भाई ये मुर्गा दूसरा, ये लाल रंग का मुर्गा इनके पास बड़ा था, छलखिया, जो उसके भाई का बच्चा है। उसका भाई वाइट कलर में था, तो ये मुर्गा वाइट कलर में है, लेकिन इसके अबाव अजदाद लाल रंग में है। इनमें होता है लाल रंग के जब बच्चे निकलवाते हैं, एक आधा मुर्गा सफ़ेद वो मार देते हैं, लेकिन इसका बाप भी सफ़ेद था, उसने आगे बच्चे मारे थे 5-6 पटे, वो सारे सफ़ेद थे। और बहुत ही मेन इसका कलर पर नहीं है जी, वाइट हो लाल हो, मेन ये है कि ये फाइटर ब्लड लाइन में से है। इसकी नली देखें जी, बहुत ही प्यारी नली है जी, आँख नोक चेहरा गंड जोड़, और इसकी वेल बहुत ही प्यारी है, परी इसकी बहुत प्यारी है, और माशाल्लाह इसका जो दुम है बिल्कुल ना छज पूछों में से है, बिल्कुल ब्रीक छोटी पूछ, मतलब इकट्ठी हुई पूछ होती है ना, ये टेल बहुत ही अच्छी टेल होती है जी। तो ये सुहेल भाई का जी मुर्गा है जी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मुर्गा है, अल्लाह इनके नसीब करे। तो गाइस ये एक मुर्गा है जी, ये इन उस रवे में से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये मुर्गा है उस्ताद खिज़र हयात साहब लिया वाले जो हैं, ये उनसे गिफ्ट आया था सुहेल भाई को, और माशाल्लाह उनकी होम ब्रीड मुर्गों में से मुर्गा था, और ये सुहेल भाई ने इधर बकर में फ़ाइट कराई थी। माशाल्लाह वन टाइम विनर मुर्गा है, और बहुत ही अच्छा एक से डेढ़ मिनट मुर्गा ये लड़ा था। इस रवे में ये है कि पहले 1-1.5 मिनट में इन्होंने मार दिया तो मार दिया, वरना इन्हें जितने भी कील आते रहें ये महसूस नहीं करते। एक आधा चाक अपना पक्का ले जाते हैं, जिससे मुर्गे को गेम जो मुर्गे की है वो तब्दील कर देते हैं, बाजी पलट देते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही मजबूत रंग पट्टा है जी, मजबूत नोक नली हड जोड़, ये वाइट नोक नली में है माशाल्लाह। तो गाइस शौक करना चाहिए और आला करना चाहिए। ये सुहेल भाई की मादियाँ भी आपको दिखाते हैं जी। तो माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा मुर्गा है। तो भाइयों आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, हम इतनी दूर आते हैं सिर्फ आपके लिए वीडियो बनाने, और इसका रिवार्ड यही होता है कि जो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। ठीक है गाइस, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी रवे में से पठा जी सुहेल भाई गिफ्ट आया हुआ। अभी इन्होंने इसकी ब्रीड आगे नहीं कराई, क्योंकि उनका है प्रोग्राम फाइट के बाद फिर इंशाल्लाह वो इनकी ब्रीड कराएंगे। तो गाइस ये सुहेल भाई की होम ब्रीड मादियाँ हैं। ये जो मुश्किल मादी है, ये जो सईद भाई के पास या खिज़र भाई के पास चिटसरा और उसका भाई मुश्की फिर रहा है, ये मुश्की की पटिया। अब तो माशाल्लाह ये मुर्गी अब बड़ी, इसका चेहरा चेक करें, इसकी नोक नली चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। तो गाइस माशाल्लाह ज़रूर कहना है, ताकि माशाल्लाह कहने से परिंदे को नज़र नहीं लगती। तो चेक करें जी, ये बहुत ही अच्छी मुर्गी है। तो इसके पट्ठे भी लड़ रहे हैं माशाल्लाह। और ये दूसरी जो मुर्गी फिर रही है, ये रत्तू मुर्गों में से है, ये सुहेल भाई के बड़े चीने की पट्टी है जी। इसकी एक बहन हमारे पास सुहेल भाई ने गिफ्ट की थी, जो खान खान मुर्गा है, ये खान खान मुर्गे की बहन है,
एक हमारे पास खाने खान मुर्गे की बहन फेर रही है, तो ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी मुर्गी है जी, बहुत ही अच्छी मुर्गी है, जितनी तारीफ़ करें इस मुर्गी की कम है। इसका चेहरा चेक करें, इसकी गाढ़त चेक करें, बिल्कुल सीलों वाली गाढ़त है जी। जब ये पट्ठे निकालेगी और माशाल्लाह जब वो जवान होंगे वो देखने वाली चीज़ें होंगी जी। नली भी इसकी बहुत प्यारी है जी, आप देख रहे हैं, बेल चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी पट्टी है जी। परी चेक करें, परेल मुर्गी है, इकट्ठी बाँस की तरह इसकी शक्ल है, बिल्कुल चोंच बाँस की तरह ऐसे इसका सारा चेहरा है। तो गाइस इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जो वीडियो हैं वो आपके पास आते रहें। तो सोहेल भाई का छोटे जो पट्ठे पट्टियाँ उनका भी शौक कराते हैं। ये जो बड़ा लाल आपको मुर्गा दिखाया था ये उसकी पट्टियाँ जी, और बड़ी लाल 30,000 वाली पट्टी मुर्गी की पट्टियाँ, माशाल्लाह ये देखें जी कलर कितना प्यारा कलर है और कितनी प्यारी मतलब यक रंगी पट्टियाँ पट्ठे फेर रहे हैं जो माशाल्लाह ये अगले साल के लिए हैं सोहेल भाई के। तो सोहेल भाई आते हैं 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए दुबई होते हैं और बाहर वहाँ से बैठ के भी शौक कर रहे हैं, हिम्मत है। ये जो वाइट बच्चे फिर रहे हैं ये उस वाइट मुर्गे के